हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स सी प्रॉम्प्टिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, राइट। तो पहले देखते हैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉम्प्टिंग लेमा के थ्रू, और सेम उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस क्या है। ये चीज़ सिंपल अगर क्लियर हो जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस है तो हम लोग कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी देख लेंगे, ठीक है। सिंपल देखिएगा, हमें डिफरेंस अभी मैं दिखाऊंगा इसमें क्या डिफरेंस है और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ, वेरी इजी टॉपिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक। ओके, चलिए तो अभी शुरू करने जा रहा हूँ पॉम्पिंग लेमा। क्वेश्चन में भी आस्क लाइक दिस कि प्रूफ दिस लैंग्वेज इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि इसमें पॉम्पिंग लेमा अप्लाई करना है। नॉट मीन्स कि इस लैंग्वेज के बारे में ये प्रूफ करना है कि दिस इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। यहाँ चेक करेगा नहीं, सीधे नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। या समटाइम क्वेश्चन में भी आस्क, प्रूफ दिस लैंग्वेज इज नॉट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। इसका मतलब उसके अंदर पंपिंग लेमा अप्लाई करना है। तो मोस्टली फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होता है सेमेस्टर एग्जाम में, या तो रेगुलर लैंग्वेज पे आ जाए या तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का पंपिंग लेमा के बारे में आ सकता है, ठीक है। अभी मैं प्रूफ की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको ईजी वे में, ठीक। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं, इसमें कैसे लिखना। अभी सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करते हैं इसमें, तो देखिएगा इसमें अभी, ठीक है। सबसे पहले तो ये तीन जो कलर मैंने चेंज किया उस पे फोकस करिएगा। सिंपल सिंपल देखिएगा, लेट एल बी ए इनफाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट इंटीजर एन सच दैट डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल। सिंपल ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, सपोज करिए एक छोटा सा क्वेश्चन में लेता हूँ, कोई लूंगा यहाँ से, एल इज इक्वल टू ए पावर एन बी पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू वन। पॉपुलर क्वेश्चन है ये जो लैंग्वेज है, दिस इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। अब ये मुझे प्रूफ करना है पंपिंग लेमा के थ्रू, ठीक है। तो क्या करते हैं पंपिंग लेमा में, देखिएगा ध्यान से, इसमें पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एम सेलेक्ट चूज कर लेते हैं, सच दैट जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, अब इस लैंग्वेज से कई सारी स्ट्रिंग बन सकती है ना, बताइएगा। अगर एल एन की वैल्यू वन लू तो क्या स्ट्रिंग बनेगी, ए बी बनेगा। अगर एन की वैल्यू टू लू तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब ए ए बी बी बनेगा, ठीक है। अगर एन की वैल्यू थ्री लू तो ए ए ए बी 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 बनेगा एंड सो ऑन, ऐसे ही बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस लैंग्वेज से मुझे कोई स्ट्रिंग लेना है सच दैट ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, जो हमने पॉजिटिव कॉन्स्टेंट इंटीजर चूज किया है, ठीक है। अच्छा, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज एक्चुअली एम इज व्हाट नंबर ऑफ स्टेट्स पे डिपेंड करता है पंपिंग लेमा का, जब प्रूफ देखेंगे तब। बट अभी आप याद रखिएगा पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा एग्जाम में कैसे लिखना है। हाँ, तो कंपोज, अब क्या करना है उसमें, जो हमें स्ट्रिंग्स चूज कर रहा हूँ उस स्ट्रिंग को मुझे तीन पार्ट में डिवाइड करना है एक्स वाई जेड में, फॉर एग्जाम्पल। हाँ अच्छा, अब थ्री पार्ट में डिवाइड करना सच दैट जो लेंथ ऑफ एक्स वाई होगा, जो फर्स्ट टू पार्ट का जो लेंथ होगा वो लेस देन एम होगा, लेस देन आर इक्वल टू एम होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर के। और जो मिडिल पार्ट है, जो मिडिल पार्ट हमने लिया उसकी लेंथ वन से बड़ी होनी चाहिए, या कभी कभी ऐसा है मॉड ऑफ लेंथ इज ग्रेटर देन जीरो आता है, वो भी सेम बात है, ये होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो देन हम ये बोलते हैं कि एक्स वाई पावर आई जेड इज ऑल्सो बिलोंग टू एल फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 0, 1, 2। सुनते रहेगा, बहुत आसान है, भी क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको ये तीन चीजें जो कलर चेंज है उस पर फोकस करना है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, सपोज करिए एल इज इक्वल टू ए पावर पी सच दैट पी इज प्राइम नंबर, पी इज प्राइम नंबर, ठीक है, या कोई भी क्वेश्चन ऐसे आ जाए, तो कभी भी आता है तो आप क्या करिएगा, उस लैंग्वेज से एक स्ट्रिंग सेलेक्ट करिएगा, चूज करिएगा। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक स्ट्रिंग चूज करने जा रहा हूँ, लेंथ ऑफ सिंपल कोई भी ले लीजिए 5 लेंथ की। तो अभी मैंने यहाँ पे यहीं पे लिखूँ एक लेट्स, अच्छा इसके स्टेप्स में मैंने कुछ लिखा हूँ, वैसे कोई जरूरी नहीं कि पूरा प्रॉपर स्टेप्स में लिखें, बट आप एक प्रॉपर सिक्वेंस में लिखिएगा। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने स्टेप 1 लिखा यहाँ पे, लेट्स एज्यूम दैट एल इज रेगुलर लैंग्वेज। ऐसा मैंने क्यों किया, सुनिएगा ध्यान से, होता क्या है कि अगर मैं कोई भी लैंग्वेज लूँ और उस लैंग्वेज पे, सुनिएगा ध्यान से, उस लैंग्वेज पे ये प्रॉपर्टी को फॉलो करूं तो डेफिनेटली वो लैंग्वेज सारी स्ट्रिंग होगी वो इस लैंग्वेज से बिलोंग करेगी। एक बार और सुनिएगा ध्यान से,
अगर मैं लैंग्वेज से कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग लूँ, और वो लैंग्वेज क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज से कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग लूँ और इस पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ, तो डेफिनेटली हर स्ट्रिंग आई की जितनों भी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, वो सारे स्ट्रिंग जो जनरेट होगी सारे लैंग्वेज से बिलोंग करेगी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लैंग्वेज जो है वो रेगुलर लैंग्वेज है। और ये क्यों मान रहे हैं, क्योंकि आगे हम जाकर कंट्राडिक्शन से बताएंगे, प्रूफ करेंगे कि ये लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, क्यों क्यों है, कंट्राडिक्शन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, क्योंकि हमारा ये प्रॉपर्टी रेगुलर लैंग्वेज के लिए सुटेबल है, बट हमने जो माना है वो प्रूफ ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब कंट्राडिक्शन हो रहा है। तो अभी देखते हैं, सुनिएगा ध्यान से। लेट्स एज्यूम दैट एल इज रेगुलर लैंग्वेज, है ना, एक लैंग्वेज मान ले। लेट्स एज्यूम दैट एल इज, एल क्या है, ये मेरे एक, ये जो एल मैंने माना है, ये एल वो रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है आपको, अच्छा ये तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया रहेगा। ठीक है, या देखिए दो तरह से क्वेश्चन, या तो कहेगा एक्सप्लेन पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज, तो सेम आप लिखेंगे और सेम एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, प्रूफ दिस लैंग्वेज इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज, तो भी आप ये पूरा चीज लिखिएगा, उसके बाद आप ये काम करिएगा, सुनिएगा। तो हाँ, लेट्स एज्यूम दिस रेगुलर लैंग्वेज, लेट्स चूज अ स्ट्रिंग, कोई स्ट्रिंग चूज कर रहा हूँ मैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू चूज कर रहा हूँ, और लेकिन और भी पार्टी पर, डब्ल्यू इज इक्वल टू हम ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे एन की वैल्यू 5 ले ले रहा हूँ, ए 5 टाइम्स A और 5 टाइम्स B हो गया, वेरी इजी, पूरा सुनिएगा समझ में आ जाएगा। ये एक मैंने स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग चूज कर लिया, अब स्ट्रिंग चूज करेंगे और अब ये काम हो गया ना, अब हम इस तरह क्या करेंगे, अब इसको कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, सच दैट, अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करने जा रहा हूँ, 3 पार्ट्स में, यहाँ लिखूँ क्या मैं, हाँ यहाँ लिखता हूँ, 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ, सच दैट जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है ये फॉलो होनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं, पहला ये मैंने स्ट्रिंग चूज कर लिया ना, अब इसमें एक्स वाई जेड 3 पार्टीशन करने जा रहा हूँ, सच दैट एक्स वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू एम, एम की कोई वैल्यू ले लीजिएगा, एम की वैल्यू आप 5 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसमें डिवाइड करने जा, इसको मान लेता हूँ एक्स, ठीक, इसको एज्यूम कर लेता हूँ वाई, और इसको एज्यूम कर लेता हूँ जेड, यहाँ पर कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, बट याद रखिएगा जो हमने एम की वैल्यू क्या लिया था, 5 लिया था ना, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे लेंगे, बट ये प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए। एक्स वाई बताइएगा, एक्स की लेंथ कितनी है, 1, 2, 3 लेंथ है, वाई की लेंथ कितनी है, 2 लेंथ है, टोटल कितनी हो गई एक्स वाई लेंथ, हाँ ऐसे कर लेता हूँ, एक्स वाई की लेंथ कितनी हो गई, एक्स की लेंथ 3 है, वाई की लेंथ 2 है, 3, 2, 5 लेस देन आर इक्वल टू एम है ना, एम की वैल्यू 5 था, कंडीशन 2, इसका मतलब ठीक है, इसका मतलब पार्टीशन कर सकते हैं, ए भी चेक कर लीजिएगा। वाई की जो लेंथ है, वाई की लेंथ क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए, ये प्रूफ में अभी समझ में आएगा, देखिएगा वाई की जो लेंथ होगी 1 से बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब अब मैंने 2 लिया है, इसका मतलब करेक्ट। बस ये दो चीज फॉलो करनी है आपको, कि एक्स वाई की लेंथ एम से छोटी या बराबर होनी चाहिए, और वाई की लेंथ 1 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। ठीक, बस इतना क्लियर हो गया, अब आइएगा, इसका मतलब ये वैलिड हमने स्ट्रिंग चूज किया है। ठीक, अब ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा है तो देन, अगर ऐसा है तो डब आई की किसी वैल्यू, देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, एक्स वाई पावर आई जेड, ये एक्चुअली इसी को बोलते हैं पंपिंग, क्या बोलते हैं पंप, वाई के ऊपर वाई आई की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 पंप करते जा रहा हूं। ठीक है, तो जितनी बार आप पंप करेंगे उतनी बार स्ट्रिंग नई जनरेट होगी, और वो स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से बिलोंग करनी चाहिए, बट ये लैंग्वेज तो कॉन्टेक्स्ट रेगुलर है नहीं, तो डेफिनेटली वो रिजेक्ट कर देगा, तो वहीं पे हम बोल देंगे कंट्राडिक्शन से कि ये लैंग्वेज नहीं है। तो क्या करूं, अभी मैं केवल 2 पे चेक कर रहा हूँ, आई की वैल्यू 2 पर क्या ये लैंग्वेज बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या करना है आपको, सिंपल सुनिएगा ध्यान से, ध्यान दीजिएगा, एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए, वाई में क्या है, AA, और जेड में 5 टाइम्स B है। तो अगर मैं बोलता हूँ आई इक्वल टू 2 पे, बताइएगा अगर मैं लिखूं यहाँ पे x की जगह क्या लिखूं, x y पावर 2z, ठीक है, बताइएगा x में क्या लिखूं, a 3 टाइम्स है ना, a हो गया, y की वैल्यू क्या है, a, और यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ पावर 2, और z की वैल्यू क्या है, b 5 टाइम्स B, डन। अच्छा इसको सॉल्व करिए तो क्या होगा, a पावर 3 टाइम्स है ना, ये 3 टाइम्स हो गया, और ये कितनी बार है, 2 पावर 2 मतलब 4 टाइम्स, और a b पावर 5 टाइम्स,
पूरा क्या हो गया, ए पावर बेस बराबर है तो 3 + 5 = 4, 7 और बी पावर 5। अब यहाँ पे आप यही बोलिएगा दिस स्ट्रिंग मतलब ए 7 टाइम्स और बी 5 टाइम्स डज नॉट बिलोंग टू दिस लैंग्वेज। जो लैंग्वेज हमने माना था ना, लेट्स एल इज इक्वल टू ए पावर एन बी पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर इक्वल टू 1, जो माना था इस लैंग्वेज से बिलोंग कर नहीं रहा है। इसका मतलब हेंस बाई कंट्राडिक्शन वी कैन से दैट गिवन लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर लैंग्वेज। सर ये तो बहुत छोटा बात हो गया, सिंपल है क्या बेटा, इसमें आई की वैल्यू मैंने 2 चूज किया है और रख दिया। बट एक्चुअली बताऊँ आपको, हर बार 2 सेलेक्ट करना, 2 चूज करने से बेटर क्या है, अभी मैं एक और आंसर बताने जा रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से, उसमें कलर चेंज करूँ, हाँ देखिएगा ध्यान से। हर बार आई की वैल्यू 2 कर सकते हैं, ये भी सही है, ठीक है इस तरह भी कर सकते हैं, बट उससे बेटर भी देखिएगा ध्यान से हम क्या कर सकते हैं इसमें। देखिएगा एक्स वाई पावर आई और यहाँ पे क्या हो गया, जेड हो गया, क्या हो गया जेड, यही था ना। मैं मान के चल रहा हूँ इसको जो पार्टीशन किया हूँ, इसको देखिएगा, इसको पार्टीशन किया हूँ, ऐसे मैं लिखूँ क्या, इसको मैं बोलता हूँ बेटा, देखना इसको मैं बोलता हूँ ए पावर एन बी पावर एन है ना, हाँ इसको यहाँ लिखूँ ए पावर एन बी पावर एन। मैं क्या करना चाहता हूँ सुनिएगा ध्यान से, ए पावर एन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करने जा रहा हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या बताइएगा, ए पावर पी, ठीक है, ए पावर एस, सुनिएगा ध्यान से समझ में आ जाएगा, ए पावर पी ए पावर एस और ए पावर क्या होगा। अच्छा ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका क्वेश्चन आ सकता है, सर सर आपने वाई को केवल इतना लिया, क्या मैं इतना भी ले सकता हूँ, ए ए बी को भी ले सकता हूँ, तो वो वाली सारी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाएंगी, ध्यान दीजिएगा, जो कई सारी पॉसिबिलिटी, लेकिन इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बट ये जनरल फॉर्म में कैसे, एक बार सुन लीजिए उसके बाद समझ में आएगा। ए पावर पी ए पावर एस, क्या मैं इसको अगर मैं बोलूँ तो क्या मैं इसको कोई विदाउट लॉस ऑफ रिजनरेटी एन पावर एन माइनस पी माइनस एस कोई प्रॉब्लम इसमें आपको बताइए, और बी पावर एन इसको मैं अलग करता हूँ, ये बताइएगा इस वाले में ए पावर पी बी पावर एस इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है क्या, नहीं। देखिएगा मैंने इस ए पार्ट से थोड़ा सा पी निकाल लिया, इस वाले ए ने इधर ए पावर एन से हमने कुछ पी पार्ट निकाल लिया, ए पावर एन से कुछ एस पार्ट निकाल लिया, और तो बाकी बचा कितना, ए पावर एन माइनस पी माइनस एस और बी पावर एन, तो ऐसे ही है, एक बार और बताइएगा क्योंकि इसमें थोड़ा डाउट होता है बच्चों को, और यही चीज़ आप क्लियर होनी चाहिए। एक बार और, अगर मैं ए पावर एन से थोड़ा सा पी निकाल लिया, एन पार्ट में से थोड़ा सा पी ले लिया और थोड़ा सा एस निकाल लिया, तो बचा कितना, अगर पूरे ए पावर एन बनाना होगा तो क्या करूंगा, एन माइनस पी माइनस, सो सीधे एप्टीट्यूड है, सिंपल कुछ नहीं है, ऐसे कर सकता हूँ ना, तो ऐसा क्यों किया हमने, देखना बेटा इसको मैं मानने जा रहा हूँ एक्स, क्या मानने जा रहा हूँ एक्स, इसको मानने जा रहा हूँ वाई और इस पूरे को मानने जा रहा हूँ जेड, नहीं समझे, एक्स अब इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं बच रही है, ए पावर पी ए पावर एस और जेड पावर दिस वन, दिस वन, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से क्या होगा इसमें, ये जनरल फॉर्म है, वैसे ये 2 वाला भी ठीक है, ये जनरल फॉर्म है, क्या होगा इसमें, अगर मैंने आई की वैल्यू, अब मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो बताइएगा क्या होगा, 2 पे कलर, ये विजिबिलिटी अच्छी है इसकी, येलो कलर वाले ये लेता हूँ, बताइएगा आई की वैल्यू मैंने 2 लिया है ना, तो क्या होगा, ए पावर पी और अगर मैं सुनना वाई पावर 2 लेता हूं बेटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ए ना वाई लिया था ना, ए ए पावर एस था ना, ए एस पावर 2 कर सकता हूं ऐसे, यस है नो, अच्छा और जेड किसको माना था, ए एन माइनस पी माइनस एस और बी किसको माना था, बी नहीं ये तो पूरा हो गया था, इसको एक्स माना था, इसको वाई माना था और इस पूरे को जेड माना था, यस या नो। अब इसको मैं यहां लिखता हूं, ये थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, तो ये देखिएगा ए पावर पी ए पावर पी ए पावर एस का स्क्वायर और ये हो गया ए पावर एन माइनस एस माइनस पी और बी पावर एन, कोई डाउट इसमें, नहीं ना, बिल्कुल वेरी एप्टीट्यूड सिंपल। ओके नाउ
अब इसको मैं ब्रेक करता हूँ, सॉल्व करता हूँ सिंपल। अब बताना बेटा, ए पावर पी, ए पावर टू एस लिख सकते हैं ना, यस, ए पावर एन माइनस एस माइनस पी और बी पावर एन, यस या नो? ठीक, ओके। नाउ बताओ, जो जो बेस बराबर है उसको ऐड करिए पावर को, तो क्या बोलूँगा, ए पावर पी प्लस टू एस प्लस एन माइनस एस माइनस पी और बी पावर एन, ठीक, ओके। नाउ ए पावर, बताइएगा पी और पी कैंसिल हो गया ना, ये पी और ये पी कैंसिल हो गया, टू एस माइनस एस क्या लिख सकता हूँ, एन प्लस, हाँ वेरी गुड, एन प्लस टू एस माइनस एस का मतलब बेटा यस, वेरी गुड, और बी पावर एन, इसमें डाउट कर लेंगे, ठीक, पी पी कैंसिल, टू एस माइनस एस एस एन प्लस एस और बी पावर एन। अब मुझे ये बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एन प्लस समथिंग क्या ये किसी भी केस में ए पावर एन बी पावर एन बिलोंग कर सकता है? सर एक केस में कर सकता है, अगर मैं एस की वैल्यू जीरो रख दूं, क्या रख दूं, एस की वैल्यू अगर मैं जीरो रख दूं तो ए पावर एन बी पावर एन बिलोंग करेगा, लेकिन लेकिन एस की वैल्यू मैं जीरो नहीं रख सकता। रीजन बताइए क्यों नहीं रख सकता, एस की वैल्यू जीरो नहीं रख सकता क्योंकि ये कंडीशन देखना बेटा ध्यान से, इन्होंने ये बोला है कि हमेशा, अच्छा एस क्या था, एस क्या था, ये वाई का लेंथ जो हमने लिया था, वाई का लेंथ हमने बोला था कि वाई हमेशा जो लेंथ था वाई होगी वो वन से बड़ी या बराबर होनी चाहिए, नहीं समझे, तो वन या वन से बराबर होनी चाहिए, इसका मतलब डेफिनेटली जो मिनिमम वैल्यू आप एस की होगी वो डेफिनेटली यहां पे वन होगी, जीरो तो हो नहीं सकती। अगर मैं मिनिमम वैल्यू भी वन रखता हूं तो एन प्लस वन और यहां पे एन, ये डज नॉट बिलोंग टू दिस लैंग्वेज, और यहीं पे हम बोलेंगे हेंस बाय कंट्राडिक्शन वी कैन से दैट गिवन लैंग्वेज इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। बात समझ आ रही है? तो अगर स्टैंडर्ड वे, जनरल वे में अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो ऐसे प्रूफ कर दीजिएगा, वर्स्ट केस में अगर आपको नहीं समझ में आ पा रहा है तो आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, बट दिस इज द बेटर वे, क्लियर इतना, क्योंकि ये जनरल वे हो गया, ठीक है। एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, एक बार फिर क्विकली रिव्यू कर देता हूं मैं, इस एक्स वाई जेड पूरी जो ए पावर एन बी पावर एन को, कोई भी नंबर हो, प्राइम नंबर हो, कोई भी नंबर हो, इसमें आप उसको तीन पार्ट में डिवाइड करिएगा। इवन मैं आपको हिंट देता हूं, अगर आपको प्राइम नंबर भी आ गया ना तो भी आप इतने ही पार्ट पी एस एन माइनस पी माइनस एस करिएगा तो भी आपको पता चल जाएगा, पता है, जब ए पावर पी ए पावर एस एन माइनस पी माइनस एस और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो पता है कितना आंसर आएगा, ए पावर एन प्लस एस आ जाएगा, बी तो है नहीं पी पावर पी में, और जब ए पावर एन प्लस एस आ जाएगा तुरंत आप बोल दीजिएगा एस की तो मिनिमम वैल्यू वन से बड़ी होनी चाहिए, वन या वन से बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब ए पावर पी डज नॉट, पी प्लस एस डज नॉट बिलोंग टू ए पावर पी, तो आप वहां भी बोल सकते हैं ऐसे ही, ठीक है, तो प्रैक्टिस इज मोर रिक्वायर्ड, सब कर लेंगे आप, ओके। तो यहाँ पे हमने ए पावर पी लिया हूँ, एक्स मान लिया हूँ, ए पावर एस लिया हूँ और बाकी सबको भेज दिया हूँ जेड में, और सुनना बेटा ध्यान से, यही सब काम आएगा आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में भी, सेम अप्रोच से बात करूंगा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में भी, ध्यान दीजिएगा, वहां भी पीएस मानेंगे, सब हो जाएगा, वहां भी टू से लेके चलेंगे, वहां भी ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे ए पावर एस हो गया, बाकी ऐसे कर दिया, और यहाँ पे इसके बाद हमने क्या सॉल्व किया, इसके बाद यहाँ पे ये लाए, ये लिखा, ठीक है, और हाँ तो ये पीस का क्यों यहाँ पे आई की वैल्यू टू कहाँ से आ गई, सर एज्यूम कर लिया आई की वैल्यू टू, टू कर लिया, सर यहाँ भी टू किया था आपने, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने फिक्स कर लिया था, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ले लिया था, स्ट्रिंग लेके कर लिया था, यहाँ पे अगर स्ट्रिंग को जनरलाइज पार्ट में डिवाइड करूँ, डीकम्पोज करूँ, तो हमारा ऐसे अप्रोच फॉलो होगा, अगर मैंने स्ट्रिंग को फिक्स स्ट्रिंग को लेके करूँ तो ऐसे होगा, बट याद रखिएगा सेमेस्टर एग्जाम में अगर आप ये कर लेते हैं तो बेस्ट वे है, ये भी कर लेते हैं तो भी ठीक है, बट ट्राई करिएगा इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है, ओके। और क्या इसमें था, हाँ तो सिंपल ये आपने स्टेप्स फॉलो कर लिया और आपने ऐसे कर लिया, ठीक है,
एनी अदर सॉल्यूशन इज देयर इन दिस केस, कुछ डिस्कस करो। चलो कोई बात नहीं, तो इतना कर लीजिएगा। हाँ तो अब देखते हैं, अब कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में देख लेते हैं, ठीक है। पहले वीडियो की लेंथ देखता हूँ कितनी है, वीडियो की लेंथ चेक कर ले लीजिए। ओके, आई थिंक लेंथी वीडियो हो गया, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का पॉम्पिलियम, राइट। तो सेम अप्रोच, लेट मी टेल यू, 90% कॉमन है। सेम जो अभी हमने बात किया है वो 90% कॉमन होगा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में। क्या होगा बता दूं आपको, हम सेम क्वेश्चन लेंगे, ए पावर एन, बी पावर एन, सी पावर एन का सेम पार्ट में डिवाइड करेंगे, सेम क्वेश्चन लेंगे, इसी में क्या क्या चेंज होगा वो हम बात करेंगे। 90% लॉजिक जो है वो सेम होगा हमारे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में, बस थोड़ा सा माइनर चेंज होगा, ठीक है, वो आगे डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं पंपिंग लेमा फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, राइट। इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन।